सुना है के? हाँ सुनो सुनो तो बार लग रहा है वो कंधे बोल लगी के तड़के तड़के रुक के मान लाग जाओ हो बेरा तुमने कितना काम हो जाए कासन धोने चून बेना रोटी बनानी छोरा तैयार करना उसका टिफिन पैक करना आपकी रोटी बनानी। अच्छा मेरी रोटी बना दी? हाँ बना दी जी गाल दे टिफिन में। और वो ठेकरा कर दिया तैयार? वो तो तैयार कर दिया था मैंने तड़के उठती है दो गिलास उसमें लाते गाल दे और दो रोटी गिर दी सांझ वाली बासी। अरे बेटा इमे को नहीं वो तो बाहर है ना कुत्ती बिहारी है उस खतर लेके जाया करो तो लिया मेरा टिफिन ले दे और मैं भी चल लूंगा तू रब्बा ओले तू किधर जागा तू अपना घर आ रहा है और छोरन ना बेटा जिद नहीं करया कर दे पूरा ना और छोरन है ना तैयार करके स्कूल में भेज दिया कर टाइम सर स्कूल में बोलिए ना ये खंदा दूंगी जा बोले बितरे समझ में को नहीं आंदी छोरा स्कूल में भी भेजना हो टाइम सर तैयार करके तो मेरा तो समझ मार ही है टाइम होगा जब मैं भेजूंगी मैं ठाली थोड़ी बैठी थी तो मेरे सिर पे चढ़ता आवे ध्यान दे लेगा थोड़ा बहुत पड़का बे समझ में आएगी ठीक सर दे लूंगी उल्टे आके ले जाइयो टिफिन वो काम कराओ पहले। अरे यार तुम लेट तो पल्ला है हो रहे चक्कर कटवाई जागी मैंने कितना चक्कर कटते इतने लेट ना हो रहे और मैंने तो वो वक्त बार का तैयार कर रखा है लेके क्यों गए तुम? हाँ बस मेरे में फोट काट दिया बैग में डर जाओ मत आपको लकड़ी की देवा है मन ने दे दो ले आओ बैग में डर जाओ फिर चले जाओ आकर मेरा ला काम कदे टाइम पर तैयार नहीं पाओ जल्दी मना कर लगी सुननी पड़ो वो बॉस जल्दी सर पर चढ़ जाएगा आज फिर लेट हो गया तू बस तो जी बना रखी है मैंने रोटी ठीक से तो बना रखी तो गाल के दर्द है कितना मुंह करे हां डर रखी है आगे ले जियो मैं इतने छोरे तैयार कर दूं ठीक से पूरा रे एक बात बता जब तेरे पापा ने आराम तेनू कह दी थी कि मैं एक लगे रहूंगा रोटी तने जिद करनी जरूरी थी मैंने कुत्ते देखने उसके बिल्ले खिलाने थे जब बेटा स्कूल का टाइम हो रहा है टाइम भी देखा कर स्कूल में भी जाना पड़े से पढ़ाई में ध्यान दिया कर ये कुत्ते और कुत्ते के पिल्ले तो रहे हंडी जाएंगे ठीक से ना है टाइम तो उठ के बाहर की बात के ध्यान न छोड़ के और स्कूल पे ध्यान दे लिया कर बस ठीक हाँ रोटी बना रखी सी टिफिन पैक कर दिया से चाली बना ले रहे जान तो मार दे मुने तसल्ली हो जाएगी तारे एक ने तो खा के बैठ गए सबर को नहीं आया के अगे बोलन मांग रहा है दवाई ले से आज भी लासी है रोटी दो साल तक खुआन ला रहे ठेकर में आज की बात के करे अरे खांसी में इसने सांस आ रहा है जी सब निकट लग रहा है मैं बताऊं माँ कि तारा रोना है तो मन लेके बैठ रहा है जो भी काम करूं हूं उसे मैं नुकसान है नौकरी पे ओड़ा सुनन ना मिला है क्या आए पढ़नी कद बंद होगी तारी पीण दोगे को नहीं ठंड ना करे बाबू इतने ये उठ के ना टिकटे खा ले नहीं बिना खाए जरूर मर जाएगा खाए तो बगेरा ना मरे अमन तो करे रखा था काम अरे ये रोवा पिट्टी है ना आग बंद कर दो कर्मा न रोवा बेटा हां रो ही जाओ तो कोटे करा के तो टोटला छोरा ना मरे तो क्या ना दो पाने से हमने के मेरा ना ले किसा होगा अरे बहुत तो सुन दिया अरे बहुत तो आज ये खराब लेकिन मारा तो बेटा ही खराब हो रहा है देख एक रोटी ले सर एक रोटी ये भी दो टुकड़े बना रखे सर इसे नन्नी को बता तो खाओगा कि मैं खाऊंगी पिछले दिन मैं खोटे करे थे शानी के मेरा के पाप करके आए थे उसकी सजा मिलने वाली है सियाणा दो साल हो गए इस ठेकर में दे के जा रोटी मैं ना बेरा था सबके में नाम करा लेंगे
अरियो दिन देखने न मिलेगा। मैं नाट्य दादने माँ ना नाम करवावे तो भी तोरे के मुँह में बस की सब की मैं नाम करवा दिया। करवाया तो नहीं हुए था हकवाई बात से। एक तो भगवान ने प्यारा होया और मखाम ने क्या करना से हमने दो रोटी चाहिए से वो टेम पर दे देंगे के नू बेरा था अकेले नू बदल जाएंगे। यानी आड़ दिल कर ताला की थे जो किसी घी में दिक्कत से आश्रम में मिला घर खीर तो बार खीर सब घी में होते सुबह देख मारी के खरा माटी हो पानी की पीले सारी देई तस तस करे मेरी गोली दे दे मने गोली क्यों कर दे दूं वो है बात से जब दो रोटी पोलियो तो डंगरा का पिप मछान सानस पड़िया से नौर सेक के दे दूर किसी कच्ची पक्की फिर दे दूं कितना है चून की चूटी तो कौन छोड़ रहा किया डर मेरा न क्या बनागा मारा मैं तो नहीं कुछ है भगवान इसे बेटे किसे का ना जानी हूँ बिना बेटे रह जियो मैं तो दुख पाए लिया तू और गिल्लम गिल दुख पा रही है ओहो बस उत्ते अगर मैं हो रही हाँ तो भी चलो आजा बेबे क्या क्या लग रही है आए क्यों मैं ना भीतर बैठे थे लाइट चली गई गर्मी लग भीतर बैठने का के मन करे से जब पहले तो इसी गर्मी गेरी रखी अब कूलर भी पानी गंदे पाताती पे कहते अरे ये दो दिन बूंद करके चिपचिपी मचाई दी आए तेरा देवर ने एसी लगवा रखी से जब भीतर पड़ी रहूं सु हरी वाला लाइट चली गई वा एसी होगी बंद और थोड़ी देर में उतनी उमस बन गई कमरा में। आए जी जी मैंने एक बात बता वो तो घटा पर सारे ठीक से हाँ सब ठीक से बेबे चाची और मारा करें गेड़ा उठ लेवल ना मैं तो प्लाट में रह सा आए फिर के जमाई नारे कर दिए एक के तो बेटा से उन कहियो एक का तू बहू से भला लिया करो बावड़ी वाली सबेरी आए न्यारा के करू थी जो जी उनके रोटे टू का उत पूछा दी हूँ पूरे पड़ी पड़ी उसने काम भी किया था सब दिन तेरे देवर का फूक मारा करते और मन ने पिटवाया करते एक जिंदगी कती आराम से कट रही है। मैं जीता जब बुरा ना लगा तो एक बात पूछो हाँ बोल जी जी बेबे तेरी तो ऐसी बंद हो पाचा पांच मिनट भी ना हो जब तेरा जियो लगवा जैसे गर्मी से उमस बन गई आए बड़े तो फाटा तक की व्यवस्था को नहीं मैं गई थी एक घंटा बतलाई सू चाची थे ठीक बेचारी रोवे थी तीनों कह करने कती नहा ली थी आसवा न्यू बता तू तेरे घर ने ठाल लिए रह है के जो तू तेरा मारा प्लाट ही चक्कर मारे आवे है। ए बेबे अपने घर में ठाली कोई ना सबके ढूंढ से सबका काम से करनू से किसी की हारी बीमारी बड्डे से खून बह के पांच दस मिनट दोहरे बैठा कि मैं जानकारी मिले से अच्छी शिक्षा देवे से तो हम भी चली जावा सा फिर तन्ने कौन सी अच्छी मिली जी जी उते ए बेबे मैं तो बेचारे के बताऊंगे उनकी तो खुद की दुर्दशा हो रही से। ओहो तन्ने तो बहुत दिखे जी जी और ऊपर तो तू एक बात बता मेरे सासू ससुरे चाहे मैं उनने किससे बड़ा रखती हूँ तेरा दिक्कत भी केस है तारे घर ने ना जाते हुए मांगने ए घर में कौन किसका जास है और भी एक बात बता पड़ोसन उधर चली जावे नु बताई तो तने दिक्कत से मैं किसी के बेचारे की मैं ले आवे चून चप्पा तो तने दिक्कत से क्यों बेबे क्यों जी जी वे चून ले आवे कि मैं उनकी खातिर रोटी ना पुचाती और रही दूसरी बात न्यू बता तन्ने इतनी मेर क्यों आवे है तन्ने के दे है वे ए बड़े तो आशीर्वाद दिया करे और वो हर चीज तो बड़ा होगा दुनिया की और के कहे से मैंने तू तू रोटी पुचावस है आई वे रोटी से है और कैसे दे दे तो कुत्ते खातर दर क्या था उनकी तो रोटी नहीं आ रही पूछा सु ए मैं पूछ के आई सु रोंदी रोंदी वे टूक खाओ थी चाची अरे नु बोली देख ले बेबे केक भाग से मेरे बस एक या है तो बात से उसकी या है तो आदत कौन जाती उरे थी जब तेरा देवर ने सिखाया करती इवा गांव में ढिंडोरा पीटती हंड है हाय तू कहना के चाहो से आके तू ना पूछाती उन खातर वे ना जी जी मैं ना पूछाती उनके खातर वे रोटी वे तो तेरा देवर नू बोला एक कुत्ती से वा ब्यारी से उसकी खातर ले गया था मन्ने के बिरई वे के करे हैं उत प्लाट में बैठे बैठे देराने बेबे तू साची से अच्छा अच्छी साची से
फिर मैंने तो जब बेरा पाटा ने ठेकरम रोटियां उसे कड़ जैसा पाट का हाथ माया और तेरे खातर गुस्सा बढ़ाया डटा ना गया मैं तो फिर सीधी तेरे दो आई सू आए तू तो उनकी बात एक कदन सुन की बाजी आई है मैं तो रोज सुनया करती रोज तेरा देवर मेरी देही तोड़ा करता अरे घेर में गाल दिए तो वे दुनिया आगे चुगली पीटते हंड है न्यू बड़ बदनाम करे है बता ये उनकी अच्छी बात सके ना जी जी जैसी बात से थो अच्छी ना से हर बात तो दुर्दशा कोई भी देख ले मैं के सारे तेन उलाना दे अजय तेने उलाना है देने खातर वो काम कर रखे ना बेबे तो निर्भाग्य से आए किसी की बहू बेटी तू भी से तेरे पे उलान चलाना क्या अच्छी बात से जी जी वे तो लगावे ही नू है कई तम प्लाट में बैठे बैठे गाई जाओ कोई ना कोई छोरा अगर बतावे और उन्हें फिर कुटे अच्छा अबे मैंने तो खे बेरा जो साग दिखा उसी समझ ली साची मान ली मैंने तो खे बेरा था वनू के आए तू बताओ ना मिल के जागा नु करे थे घणी मत सुने कर उनकी वे डोंड रे बाद से ये डोंड राई करना सीख रखे हैं दोनों लोग लुगाई ने एक कोई बात नहीं फिर भी तेरी सास ससुरे से अगर झूठ बोले सास बोले उनके कर्मा के लिए जेल जाएंगे पर मैं नु कहूंगी बेबे तू ऐसा काम ना करती ने तो बतेरा अच्छा सा हरागत के दिशा करती सोची भी मत ना नु से नु कया करे कर्मा के लिए उगाड़ू गाड़ के देख समझ मावा ने कर्मा से यो आग आया करे आग आए बिना ना रहे ए जी जी मेरे कर्म से मैं आप देख लूंगी उगाड़ू गाड़ जा तू तारे घर ने तारा काम कर ले तने तो दिमाग खराब और कर दिया आखी आए मुंजी तू तो बतेरी बदली बेबे आए कितनी आओ भगत करा कर दी बेबे बेबे कर का आखिर तेरी गुआंडी सू आए बदली के तू मने एक बात बता बात उनके सुन के आई और तेरे इतना भी यकीन ना होया कि मैं किसी सू कदे की आवे से मेरे दोरे यकीन की बात ना थी मैं तो बस नू ने पेटा भरू थी अपना मैं खातर का कोई चार लुगाई बार बोल ले तो मैं ठाड़ तक ऐस हूँ अकमार वाई सीना से फिर ये भर गया तेरा पेटा दाऊ देखा ही होगी और रो के चलत्तर भी करके दिखाया होगा न्यू भी मैंने बेरो से उसको ए रो तो ले बुढ़ा पारा सर उम्र इतनी हो रही सर कोई बात नहीं ठीक है अरे के बिराड़ा आन खातर कर दियो बला ले उरे राख ले के जा से गर्मी पड़े से बीमारी मर गए ना नाम हो जाएंगी ना जी जी रोज रोज पिटना बस का खोनी मेरा तो ए ठीक सर आज ये सांझ घर का नहीं चाय पानी पिया दूंगी तने ठीक तो आई ना को ना पूछे नर भाग ए आ जाएंगी तने बात तो ऐसी कर दी और इसने की बात इसी कर दी चाड़ा तो उन पाड़ रखा सी के प्लाट में बैठे बैठे डटा ना जातो कि दूसरा आगे बतानी जरूरी से उसने तो चल आज मैं देखूंगी हाँ कि चालन ना मैं गई पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़न ना किस जारी थी अरे मैंने नहाना था कि एक जोड़ी लत्ते काट के दे दे तो लिया पकड़ा दे पर बेराना की तांडे जा मानस मेरे बिना इस घर का पत्ता नहीं हालता है ना तो तीर देखण जोगी तू करण जोगी तू तेरे बिना कौन पत्ता लाओगा मक्खन ना लगावे काम में पत्ता ना हलता मन ने गिलास ठा दिया तो ठा दिया ना तो के मजाल को ठा दे ई भी एक बात होता गिलास तो रूंगा मैं और तू नहीं ठावी तो कौन ठाणा होगा मांगे ही बू मांगे की बू दादा ना सुधार दे दो दिन में दे मांगे सीधा कर रखे नु 7 साल ला तू अरे ठीक से मैंने दुनिया की कौन देखनी बस मेरा घर मेरे तो चल लगा तेरे तो चल लगा तू मैं ठीक से बात छोड़ दे इन बात ना तो ले ले समझ आ काम और मैं तो आज जो देख का ही ने ना सो रहे इस काम का मैं तो कुछ हूँ भगवान पे इतने ओले गए रहेगा अब तेरा गांव की गंजी टाट हो जाएंगी पर फिर भी भगवान का सबर नहीं आओगा ये बात है तो ठीक ठाक चली जाया करती किसान नर बाग गांव से है जड़ा बुड्ढा बुड्ढा कितनी गंदी दुर्दशा होती हो भगवान सुन देगा कि उस गांव की बात के वही से बात बता किसी की छोरी बात जा गांव में मिनटा मिनट में दुद्धी उड़ जाए फलाड़े की छोरी गई दकड़े की छोरी उड़े पड़े है हर ओढ़ कांड हो रहा है गांव में वो ना बेरा पारता किसी ने कोई चर्चा ना चलाता के कांड हो गया कि मैं बतावो भी की प्रदीप की माँ दर्जा का ही सुमई दो तीन दिन हो गए चली तो रोज जाया करती बिचारी रोई अब मैंने जाके प्रदीप की बहुत ही कह दी वह बात मैं कहा था क्यों दर्दशा कर रहे हो बुढ़ी बुढ़े की है सताप लेने लाग रहे जाकर इतनी बुंडी लड़ी से पहले ठेकरम रोटी दिया करती पहले दिन की रोटी हर पहले दिन की खाटी लासी बेक है बुढ़ा बुढ़ी उसमें खाया करते और वह बीमार पड़े से बेचारे कोई संभाल लिया को नहीं उसका कीड़े गिरेंगे के वह क्या कहने लग रही है तू मेरे तो इन बात भी यकीन सा को ना होया अगर ये बात साची से तो प्रदीप ने बेरा है इन बात का सियाणा के को सो प्रदीप ने बेरा से इन बात का प्रदीप तो खुद साझेदार से उसकी गलतियां में हर तने बेरा से इतनी पाबंदी ला रखी से बुढ़ा बुढ़ी पे गर्मी में घेर रखे ना किसी तक बोल सकते किसी पे भूखे मरदे बैठे रहे किसी पे मांगण जावे तो बहु नंगा नाच करे से हसो चाची मेरे ते भी नाटगी सुख दुख की पूछाया कर दी हाथ जोड़गी रोक है हक बेटी चांदी ना कहना पर मारे ना आया कर मेरी बहू ने त्राज हो वैसे जुलम हो गया वह इतना गोर कलयुग पर हमने बेरा भी कौन है अरे प्रदीप खुद साझेदार है
बात यहाँ ना सा कौन कौन साझेदार सर कौन के करे से गांव राम से यो फिर क्यों ना कोई वो निकालता। देख गांव राम का तो मैं ठेका को ना ले रहा पर यह बात अगर मेरे कन्ना तो आई सा ना तो मैं उन्हें चला को ना बैठू मैं इन्हें सजा दिलाऊंगा। के सजा दिलाओगे? पहले तो करूंगा इनके घर आ जाकरा ये प्रदीप का बहू का भाई है ना जो मेरी कंपनी में आया करे इकट्ठे काम करने से उसका बताऊंगा उनके घर तक मानस आऊंगे इस तक पूछेंगे मानेगी तो ठीक से ना फिर कानूनी कार्रवाई करूंगा। अरे माँ बाप साक्षात भगवान का रूप हो सर अरे इन वो भगवान घर तक बाहर काट का ठेगरे में रोटी दे खाटी लासी दे पाल पलोस के उड़ बड़े कर दिए यो दिन देखने खातर गलत बात से। अरे मारते पूछ के देखो माँ बाप की क्या कमी हो सर जब तक माँ बाप इस दुनिया ने छोड़ कर गए से ना सारी दुनिया हमने दुश्मन दिखे से कोई नहीं सारा खड़ा होने को ना अब बेटा तू यो काम कर हमसे अरे इनके उनते सुनते भी नकदर को ना डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औलाद ने सब किम नाम कर दिया बेचारे ने सारा गांव गवा से इस बात का है अग जिन दे जी सब किम तो सौंप दिया बेटा बहुत है। प्रदीप पे कहीं उम्मीद को ना थी। एक बात बताऊं एकला प्रदीप की गलती ना से लाल लत ताड़ी चीज जैसी हो से बहू के नाम का आखा पड़दा से वो तम भैया ने मिलकर टाना पड़ेगा ठीक से उसने समझाओ भाई चारा माँ बाप चीज क्यों उसे ठीक कैसे तू। अरे लाल लत्याड़े के चक्कर में इंसान अपने माँ बाप तो ही भूल जा से। देख सियाणा मेरा तो यो मानना से बेशक मैं एक लुगाई हूँ लेकिन जिस घर में लुगाई की चलन लाग जाने नाश कर आई हो जैसे वो घर घर नहीं रहता घेर हो जैसे जब ये तो संभाल लियो अपना भाई ने टेम सर चाहे उस बहू का घना फोन करो चाहे तम सारे जाकर इसने दबड़काओ कि मैं करो जब मैं ले आके धुलत थे वार हो जाएगी तने मेरा ने किसी दिन दुनिया आ गई। देख कितनी देर होगी बुढ़न पढ़ना जा बाथरूम में बिरान वो तो बिरान पड़ेगा कि ना पड़ेगा पर तन्ने घेरती बार जरूर घेरूंगी मैं। हाँ ये नू क्या तो बोल रहा है। अच्छा यह बात मैं बताऊं तो ने मैं नू क्या थी बोलू हूँ तो कि मैं करे भी होगा बेटे ये किस किसने घेर में बुला है और किस किस के दौर जा है तू मैं तन बेरा से तेरे ससुरा कितना बीमार से है मैं घेर तो बाहर भी पांग टेक दी जान की तो बहुत दूर की बात से। अच्छा उस शालू ने नुए बेरा पाट गया कि मैं तेरा रोटी क्या मैं दी हूँ और तू रो रो बतावे शालू ने। हाँ हाँ ये वह तो टेम पे मैं खाऊं थी जी बागी मैं किसी का दौर प्रचार ना कर दी अमी क्या मैं खावा जर के खावा जा तू देख की ना खा सकती ये उसके आगे खानी जरूरी थी के रोकी नू बतानी जरूरी थी मेरे साथ नू कर रखा है। बेटी गांव की बात बिटोड़े बता दिया कर बताने तो कुछ ना होया कर और तू मेरे आगे कदे फालतू ना बोल रहे मत कि मैं कौन बोल दी अंध बोलन जोगे छोड़े ना रखे मेरी बात सुन ले साफ से दी बात यह है जब आज पाछे कोई घेर में आया है चाहे तू किसी के दौरे गई है ये घेर में आती भी बाहर काट दूंगी बड़न नहीं दूंगी उल्टी मैं नहीं सकी मैं भी कौन करे हर ना बेटी मैं कितने जान दी हमने सुख तो रह लेने दे सुखती रह चाहे चैनती रह सुख चैन तो ना जब मिलेगा जब इस प्लाट के भीतर भी कोई नहीं आओगा याद रखे मेरी कई और बात ने अपने गेट ने बंद रखा करे। हाँ बार भी हर कितने ना लिकड़न दे हमने सिड़ा देवर जमा खमा दिए अच्छी बली घेर में घेर राखी से और खुली हवा में मौज ले रही है कदे घनी छाणी बनती हो और जब घनी छाणी बनी ने तो भीतर कमरे में भी रोक दूंगी शड़ाके मार दूंगी पक्के में लगा लिए मैंने। ना बेटी ऐसी कोई बात को नहीं राज तक कोई ना होगी घेर में सोच लिए देख लिए अपना बहुत वाह मेरे ती जाके बोल ली है ने उती दुगनी बोल जानू हूँ और उससे दुगनी मैं मार भी जानू हूँ। हाँ बेटी जानो याद रखिए के याद रखने की क्या है अब घेरो जड़ा नुबस है तू घर घर जाके बोला प्रचार करके आवे से हमने ठेकरों में रोटी देवे से अरे बोला तने के बताई शालू का मगर तभी बाहर को निकल दिर मेरे इजे से काले चेप के गई से चने इन्हें तो मानना चाहिए लड़ाई का हम के कहवा हाँ और किसने कहवा हाँ कौन सुने हमारी सियाणा जिसी कदर कर रखी से राम ने बेरा गाम ने बेरा ये हाथ कट गए जिद मारी अरे रे वाटी कर रखी से हिम के हो से बोले चिड़िया चुग गई खेत नर ये पिस्तान तक के हो क्या कर दा मैं तुम्हें अरे मान ले अपने दौरकी में रख लिया बुढ़ापा आओगा मैंने तो दूर पड़ी दिखे थी यह बात
लेकिन तू ही ना मानी है। मैं क्या करूं, मजबूर हो गया, मोह में फंस गई। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। किसने ना बदला रंग, नो तो बता इस दुनिया में किसने ना बदला। बड़े बड़े कांड वैसे मेरा तो एक के बेटा था, वो रही जहर क्या ने नो था क्या बढ़ेंगे मेरे घर ला। रो ना इब क्यों रुआ है, इब तो एक इब खाने दे मिले हैं, पीड़ दे मिले हैं, चीटने दे दिया है आगे। कोई बात को नहीं, भगवान ठाले ना बस, और क्यों रहे मुक्ति हो जाए, कोने जीण का कोई आकड़ा। भगवान भी ना ठांदा पिन तो, भगवान ठाले तो भी ठीक से, किसी ने कहने जोगे ने, किसी रोन जोगे ने, देख मारा के लिए के मनी है। थोड़ा मारा रोन भी ना देव, रोन के भी चोर, सोन के भी चोर, आसन के भी चोर, घर तो बाहर निकलने के भी चोर, ने मारी के रे रे वाटे कर रखी से। अरे बारिश आ जा तो भिजो, अंदोड़ आ जा तो ये करा कितना लन्नू बता। अरे इसी धमकी देके गई से, बला जाग किसे ते बता दी ना तो घेर तो बाहर पाओगी बला। ये करा सानी, मेरा तो सर पटन लग रहा है। लेट जा, खांसी पर ले आओ। लेट जा। हाँ सरकार, ये बताओ की को थे। क्यों के बात तो इतनी जरूरी से, जो कंपनी में सब क्या गना कह सकूं था। हाँ एक लिए मैं बात करनी थी। तो बताओ मैं किस तरह घबरा रही है। घबरा तो ठीक रहा है इसमें, अरे घबराने वाली तो बात तो है उन्हों एक बात शर्त ऊपर डाली, इस मारे तेरे आगे जकरा करना पड़ेगा। और हालांकि मन भी बेरा लग गया से एक दो दिन पहले, जब तेरे आगे बताऊँ उसमें बात ना घुमाओ। क्यों सर, सीधी सी बात सुबह बताओ। बात इतनी गंभीर से है, मैंने जब बता दी तेरे पाया तले तो जमीन ना लेकर जा। मेरा पाया तो जमीन लेकर जा, इसी कौन सी बात होगी। मैं बताऊंगा इसी कौन सी बात होगी। मेरे तने बता, तने तेरे माँ बाप किसे लगते हैं। मन्ने मेरे माँ बाप प्यारे लग हैं। प्यारे लग, तने तेरी घरवाली किसे लग गए। प्यारे लग है तेरे घरवाली के कहने ते तेरे माँ बाप ने बार घेर में घेर देगा, ठेकरे में रोटी दे देगा, तीन तीन दिन की खट्टी लस्सी पै देगा। हाँ अगर तेरी घरवाली साका हुआ तेरे तो तू घर ठेक रहेगा। जान तो मार दी मैं तो। ये बात मेरे भाई से तेरी बेबे का बस है, और मेरा भाई भी इतना निर्भाग से अगर उसकी बात मान के मेरे चाचा और मेरे चाची दोनों नारे घेरे में घेर रखे हैं, तीन तीन दिन की खाटी लासी पे आवे हैं, और भाई थे घेरे में रोटी दे मार रहे। ये बता तेरे पाया था जमीन सरकी सरक जी सदार, मैंने बेरा कौन था अगमिल बेबे ऐसा काम भी कर जाना है कि बहुत छोटा काम कर रहा है। कैसे तेरी बेबे ने सारा काम थुकन लाग रहा से, और किसी की इतनी हिम्मत को ना अग जाकर उस तेनों कह दे तू गलत करण लाग रही से, सब ने डर लग गया है। अकाउट से सुनी होगी ना अग बुंडे मानस तो सब डर है। रिश्तेदार तन्ने मेरे तय बात बताई है, मैं तेरा शान नहीं बोलू, मन्ना आप नहीं बताओ तो मन्ने के बेरा पट है अग मिल गए बे यो काम करने लाग रही है। जब इसने मेरे लिए बोड़ ना तेरे लिए बोड़ ली बेबे ने बेरा लग गया ना, उन्होंने मेरे तय बताई बेड पर बैठा था पाया तले तो जमीन लगड़ी न्याऊ करे मेरे बेबे घना न्याऊ करे से घर आ जाकर मैं मेरे पापा ने बताऊंगा। तेरे पापा ने बता, तेरे गांव के सरपंच ने बता, और बता रहे थे कि मैं सलाह गलती हो तो ठीक से देख, उन बुढ़े बुढ़िया की मैं तो बरन माटी होने को ना दूं ना तो देख फिर मन ने कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं मजबूर हूँ। रिश्तेदार सरपंच तो क्या ने बतानी है, घर का मैटर घर में छोड़ जावांगे, चाचे तवान ले जाऊंगा गाड़ी ले आवांगे। जय घर ते सुलझती हो तो इस बर की बात नहीं, और जब ना सुलझती हो मैंने बता दी देख फिर मैं जानकारी भी है मेरी। ना ना इसी बात को नहीं सुधार फिर नो है किसकी गिला तुम भी लपेटे जाओगे। वो तो मन ने बेरा है, घर का काम तो घर के आदमी तो चल रहा है। चल रहा तो सिर्फ सुधार मन ने तेरे तो बतानी थी बता दी कि जुकर भी इतना करना है, और मन ने यू एक का दो दिन भीतर फैसला चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास है। तड़के ले रिश्तेदार
ठीक से भाई तले के ले तो बाट देखूंगा तेरी। ठीक से फिर मैं चालू जी। ठीक से भाई। जाने क्यों दुखी हो रही से, जो चुन मांग की ले आई से है वो इसमें खराब हो लेगा, बढ़िया रहने देने, क्यों टेंशन ले रही है कि मैं खराब को नहीं हो तो ही वर के मर रहा लुकने के तो ले आई सो दो मुट्ठी मांगे बढ़िया है बन जाएंगी मर जावांगे रांद कटेगी रहने दे ना दुखी हो तुम्हारा दाल हो जाएगा। मैंने बोलो बीमारी का घात से अब ना खाओगे तो खाट में देखो पर उठोगे। उठ लिया खाट में कि मैं ना उठा जा खाट खुट में दी। हे भगवान वो नहीं रहने दे क्यों तुम आकर मैंने खांसी आओगी पहले दुखी हो रहा हूँ मैं। पैर कटे ना से भगवान की दया तो सही सलामत सही है और ये टूट जाएगी ना जिप जाना देखी जाएगा कि मैं घोड़ के देंगे वो ही खा लेंगे। ठीक से जानी तेरी मर्जी है। क्या कर रहा है बेटा आज तू कि आ गया रे बेटा तेरी माँ पिटेगी तने रोटी को बेटा तो केक रोटी लड्डू में ठीक रहा बेटा ठीक रहा मारी को नहीं मैं तो कुत्ते आया कर बेटा ना बेटा किसी बात करे बेटा तय देखिए मैं तो दो रोटी को की खा लिया सा हर वह तो सा ना छोटे छोटे पिल्ले छोड़ बाहर उनका अगर धन जा कर दा तेरे पापा मारी खातर नहीं बेटा तुम्हें बता झूठ कौन बोल दे तू क्या था आ गया जब तेरी माँ देख लेगी तो आप पीतेगी बेटा ना बेटा और ना कर दे स्कूल में जा कर तेरे मम्मी पापा का कहना मान्या कर बेटा। तेरे माँ बाप बहुत अच्छे बेटा उनकी सारी बात मानना कर। हर वही बात से माँ बाप का कहना नहीं मानेगा तो फिर बड़े संस्कार क्यों करूंगे तेरे ये बता मार दो ना आकर ठीक है अपने मम्मी पापा का कहना मान लिया कर। हाँ बार का भी फार ना पड़े छोरा ना सिखा दो खड़े हो। हाँ ये कहने लग रही है कहने के लग रही हूँ बार का भी कोने से रहा तुमने सिखा सिखा सबके कान भर रखे बदनाम कर रखी तुमने मैं हमने के बदनाम कर दी बेटा हम तो छोरन समझावा और थे मैं गुण जाऊं मैं मेरे दादाजी तो रहूंगा के बात है कर ओले ना मारूं कान पे क्या खतर है गरना लेके जाऊं क्या खतर क्यों था तो छोरे के मान की जरूरत है फिर गरना कौन जाता हूं जरूर है की दिक्कत आएगी बेटा मैं गुण जाऊं हमने भी जब मेरा बटे जो था ना ठेकरा में रोटी जाऊंगा ना बेटा न्यू कौन बोलिया कर अपने मां बाप ने बेटा ये कोई संस्कार को नहीं ये कोई मारी गलती रहेगी अगर मारे संस्कार हम अभी तक कमी रहेगी जब मारे बेटा बेटी ने ये हाल करे हमारे देखते घर ना होने मैं कुंजंदर थाने जब मेरा बाटा का दुकान में ठेकरा में रोटी दूंगा ये बात कमी जी है ना ये सिखा तो होगा तने ए बेटा क्यों मार रहे बालक के बेटा गन कौन चला जाए इस पे मम्मी बोला करो आए भाई है मनु आज मैं सारा देख लिया के कर दिया मैंने मैं तो छोरे के घर लेके जाऊं के कर दिया हैं बेटा ये सर शिकायत जगह मान करती बेटा नहीं ना करे हर मारने की कोई जरूरत को ही खुशी ने तो संजय ने सारी बात बता दी बेटा हां किस वो पड़ोसी ने हां उसने अच्छा तू तेरी सासू ससुर के लिए हरकत करना करी है तड़का मैं करूंगा तेरे बापू मां के लिए खबर मिल गई तो अर्शदारे तेरे बीच का कहे मार गया गलती होगी मेरे पे मैं अपनी गलती मांग लूंगी सॉरी मनु बेटा रोला ना कर मैं तेरे हाथ जोड़ू हूँ बोसा मने माफ कर दो आज मनो मेरे मन की बात कर दो ना बेटा हर तो कोई माफ को दे हर उन संस्कार हम कमी रह की जो आज मेरे पेटे ने भी साथ दे रहा क्या था ओ सके हमारा तो कोई गलती हुई ना बापू तार तो कोई गलती को नहीं हुई कर दो
ये गलती तो मेरी ही थी कि मैं इसकी कई बात में आ गया। माया पर जे भी कोटड़ी में चला ना मां तमने की त्या जाने की जरूरत कोनी बे कर दो ने माफ आज ते आके इसी के कर देना करू मां मान जाना मां हमने मारा अल्प छोड़ दे ना जया गलती फेर करेगी ना तो मोसा मोसी तुम मेरे गला चलो और मैं मेरे मां बाप पर घर तक दूंगा भाई ना मैं अपनी गलती मांगू कदे भी ना करू भाई इसी गलती मां ठीक से भाई अपना बेटा मानो हो तो घर न चलो आप मारे थारा भी ना आना है मेरा उस घर में जी को लगता छोरो नोट बड़ी बात कर दी चालीव चलो